फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो उसके लिए हमने लिया हुआ है वो सोयाबीन, तो उसको हमने गर्म पानी में थोड़ा सा उसको उबालने दिया है। ऐसे तो आप जो ठंडा पानी है उसमें जब आप उबालते हो तो जल्दी 10 से 15 मिनट में उबल के रेडी, मतलब ठंडे पानी में फूल के रेडी हो जाता है 10 से 15 मिनट के बाद। तो अब यहाँ पे हमने कुछ सामग्री ली है जो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है खड़ा खट्टा प्याज, फिर लहसुन, फिर यहाँ पे आदि, फिर यहाँ पे मिर्च, और यहाँ पे अलग से लौंग इलायची, फिर अलग से यहाँ पे हमने जो लहसुन है वो लिया हुआ है। और उसमें यहाँ पे हम कढ़ाई को गर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने जो आलू है उसे हमने ले लिया है, उबाला हुआ आलू। तो अब हम इसी प्रोसेस में हमें तेल डालेंगे, तो तेल को गर्म होने देंगे। अब इसी प्रोसेस में हम जो सोयाबीन है उसे छान कर तेल में डालेंगे और निचोड़ देंगे उस पानी। हल्का नमी रहनी चाहिए, जैसे कि इसी तरीके से। हल्का नमी इस तरीके अब मुझे सब चलाएंगे और चला चला के भूनेंगे इसे अच्छे तरीके से। और इसमें थोड़ा सा आप अगर नमक भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप नमक कभी पसंद नहीं करते हैं सोयाबीन में एक्स्ट्रा नमक, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नमक डाल के भूनने वाला था, हम नमक डालेंगे। तो आप बिना नमक डाले भी इसे भून सकते हैं, उसका भी टेस्ट है बहुत अच्छा होता है। तेल डालकर और सोयाबीन डालकर उसे भून लेंगे। देख सकते हैं सोयाबीन पूरे तेल में अच्छे तरीके से दिल करके भूनेंगे। और देख सकते हैं तो यहाँ पे जो नमक है आप बिना नमक डाले भी भून सकते हो और नमक डाले भी भून सकते हो। अगर आपको सोयाबीन में एक्स्ट्रा जो नमक है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा सोयाबीन है इसी तरीके से इसको भून के रेडी कर लेना है। और थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा ब्राउन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, जो सोया बड़ी है कितना कलरफुल हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा और डाल करेंगे इसे और थोड़ा ब्राउन करेंगे। ठीक है, ब्राउन करने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस प्रोसेस में इसको निकालना है। बड़ी को निकाल लिया है तो देख सकते हैं कितना रेड और ब्राउन हो चुका है, तो कितना अच्छे से कलरफुल हो चुका है। तो फिर हम अगले प्रोसेस में आते हैं। तो फिर उसके लिए हम लेंगे तेल, जो कि इतना क्वांटिटी में है। तो हम इस तेल को गर्म कर लेंगे। वैसे तो पहले से गर्म है क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो तेल को गर्म होने में टाइम नहीं लगता है। तो जो लहसुन है वो डालेंगे सबसे पहले, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब हम मिर्च डालेंगे इसी प्रोसेस में। और मिर्च के साथ साथ हमने आदि भी डाल दिया। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे क्या डालना है, जीरा। तो यहाँ पे जीरा ऐड करेंगे और यहाँ पे दो तीन तेजपात जो है वो ऐड करेंगे। और इसी के साथ हमने आदि भी ऐड कर लिया। ठीक है, मैं फिर से एक बार कवर कर ली हूँ क्योंकि आवाज़ जो है यहाँ पे जो प्याज है उसे हम डालेंगे। और यहाँ पे डालेंगे एक खड़ा कटा हुआ टमाटर
और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा इसी से हम नमक डालेंगे ताकि जो हार्ड वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि प्याज टमाटर, तो इन्हें गलाने का काम करता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम डालेंगे। और साइड में इसलिए हमने डाला क्योंकि चलाना मुझे आसान है। तो इसी तरीके से हम चलाएंगे। नमक हमें डाल दिया, एक चम्मच के अकॉर्डिंग हमने नमक डाला था। और थोड़ा सा नमक इसलिए ज़्यादा है कि जब पानी डालेंगे, आलू डालेंगे तो वो भी तो नमक लेगा, इसीलिए हमने पहले ही नमक डाल दिया। और जो खाद वेजिटेबल होते हैं जैसे प्याज है, मिर्च है, टमाटर तो हर हार्ड नहीं होता है, तो इन जितने भी हार्ड वेजिटेबल हैं उन्हें नमक जो है पूरा गलाने का काम करता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बहुत कवर की हुई है। तो जो पिछले वीडियो से वहाँ पर जो है अच्छे तरीके से गला लेना है और उसे एक प्लेट से कवर करके रखना है। और यहाँ पर लो मीडियम पे फ्लेम पे हम इसे पकने देना है। तो तब के लिए अगले प्रोसेस में देखेंगे कि क्या होगा। तो हैं एक चम्मच यहाँ पे हल्दी ले लिया है, एक चम्मच यहाँ पे मिक्स मसाला। तो इन सबको हम चला लेंगे अच्छे से कड़छी मारते हुए। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से गल के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वो पूरा एकदम अच्छे से गल चुका है। तो इसे हम चला लेंगे और चलाते चलाते इसे इस तरीके से कर लेंगे ताकि मसाले थोड़ा सा भी भून जाए, अच्छा होता है। यहाँ पे हम पानी डालेंगे, बहुत पानी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। चला लेंगे पानी में। अब यहाँ इसमें थोड़ा सा हल्का उबाल आने देंगे और इसको हम ढक्कन से कवर कर लेते हैं क्योंकि जो मसाला है वो पक जाए। देख सकते हैं जो हमारा मसाला है वो भून के रेडी हो चुका था और हमने उसमें बीच में इसे चलाते रहे। तो देख सकते हैं मसाला कितना अच्छे से रेडी हो चुका है। और हमने आलू जो है वो भी डाल दिया है और आलू डालकर चला दिया है। तो इसी तरीके से सारे आलू में मसाले को डाल देंगे। तो जो मसाला है वो रेड पूरा रेड हो जाना चाहिए और थोड़ा सा सिंपल में से उबाल आ जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा, तब हम उसमें जो आलू है वो ऐड करेंगे। ओके तो हम इसे चलाते रहना है। तो ये आलू जो है हम इस मसाले में ऐड करके उसे भी हम भूजेंगे। जो इसका टेस्ट है, अगर हम आलू में मतलब मसाले में आलू को भुने तो वो थोड़ा सा चटपटा और इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा रहता है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एकदम अच्छे से देख सकते हैं।
एक चीज़ और है कि हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब जो मसाला आप जो रेडी करेंगे इसके लिए उसको भी बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, और बीच बीच में चलाने के बाद जो आलू है और मसाला है उसे भी हम बीच बीच में चलाएंगे, ताकि जो मसाला है आलू है अच्छे तरीके से दोनों भून के रेडी हो जाए। तो ये देखिए बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, तो इसी तरीके से करना है। अब हम इसी प्रोसेस में सोयाबीन जो है वो ऐड कर लेंगे और इसे भी हम चला लेंगे, क्योंकि हमारा आलू भी रेडी हो चुका है, तो सोयाबीन हम डालेंगे। तो देख सकते हैं हम इसमें जो पानी है वो ऐड करेंगे, और हाँ इसी प्रोसेस में ज़्यादा नमक की ज़रूरत होता है, क्योंकि आलू जो है वो भी नमक से भी चाहिए होता है, और जो मतलब जो भी हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं सब्जी के लिए उसको भी डाला नमक जो है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं वो भी नमक देते हैं, उसे खोजता है तो थोड़ा सा नमक चाहिए। तो अब हम इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, तो पानी से अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं आप। तो इसे हम चलाएंगे और इसमें मसाला में इसको उबालने देंगे। मसाले में जो पानी है उसमें मसाला जो है वो थोड़ा अच्छे तरीके से घुसने देंगे, जो बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी होने वाली है। और यकीन मानिए ऐसी अगर आप सब्ज़ी बना के खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हमने पानी डाल के रेडी कर लिया है। अब हम थोड़ा सा और पानी अकॉर्डिंग से हम डालेंगे। तो इसमें पानी नहीं डालना था, हम दूसरा चावल के लिए मैं पानी डालना था, तो चावल की तरह चावल में क्या है पानी डाल दो, पानी को गर्म कर दो, फिर चावल डाल दो और चावल हो जाए तो फिर जो चावल जो है वो पूरा एकदम से मैश होने लगे, तो आप समझ जाए कि चावल हो चुका है। तो हम यहाँ पे चावल है जो तसेली में बना रहे हैं, ठीक है। तो तसेली में आया था पानी डालने के लिए, मुझे लगा कि सब्ज़ी में डालने के लिए आया है, तो मैंने कहा ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे तो हमने इसी तरीके से सारे जो पानी है इसमें मसाले अच्छे तरीके से घुस जाने चाहिए, और पूरा मसाला इसमें ऐड हो जाना चाहिए इस पानी में। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से हम सारे सब्जियों को रेडी कर लेंगे, और एक्स्ट्रा में हम टेस्ट बढ़ाने के लिए लिए हुए हैं गरम मसाला, उसमें हल्का सा पानी है, और इसमें मीट मसाला टेस्ट बढ़ाने के लिए, जो कि है ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं तो जो हमारा सब्जी है वो थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है, और जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले वो नमक जो है वो खोजता है, ठीक है, कि हमें भी नमक चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालते हैं इसे। इस बात को भी हमने कवर करने के लिए सोचा, तो इस बात को भी हमने कवर कर लिया। तो बता दिए हैं हम मसाले को ऐड कर लेंगे और इसे हम चला देंगे, ठीक है। तो फिर इसे हम चलाएंगे और थोड़ा सा हल्का पानी जो है ऐड करेंगे, क्योंकि मसाले जो है वो भी मिक्स होंगे इसी में। तो देख सकते हैं अब इसे हम कवर कर लेते हैं एक प्लेट से, और थोड़ा इसमें उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद दिखाएंगे कि आपको किस प्रोसेस में आपको जो आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी है वो रेडी किस प्रोसेस में होगी। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। जो कि हमारी सब्ज़ी में उबाल आने लगी है, देख सकते हैं जो हमारे
से इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो ओपन की लाइट ये आपको सेटिंग करके दिखाएंगे।